हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं नबील है। 99% न्यू आईफोन बायर्स दोस्तों ये गलती करते हैं, जिसके बारे में आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपने मन बना लिया कि अपना पुराना आईफोन जो है उसको आप बेच देंगे या फिर घर में कहीं रख देंगे और नए आईफोन पे जो है आप शिफ्ट होने वाले हैं, नया आईफोन आप खरीदने वाले हैं। फेस्टिव सीज़न भी अभी आया है, अभी जो है दिवाली शुरू होने वाली है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सेल जो है फिर से चालू होने वाले है, तो आप लोग नया आईफोन लेने का सोच रहे होंगे और मार्केट में भी बहुत सारे ऑफर्स है, जैसे कैशबैक के ऑफर्स है, आप उसका भी जो है फ़ायदा उठाने की सोच रहे होंगे। लेकिन नए आईफोन बायर अगर आप है, भले ही आप सदियों से आईफोन यूज़ करते आ रहे हो, एक आईफोन से दूसरे आईफोन में जब माइग्रेट करते हो तो हर आईफोन बायर जो है ये गलती करता ही है। और ये गलती सिर्फ मैंने इंडिया के आईफोन बायर्स या आईफोन यूजर्स को करते हुए नहीं, बल्कि दुबई में भी ये चीज़ होती हुई देखा हो। जब मैं दुबई के मॉल ऑफ द एमिरेट्स के एप्पल स्टोर में गया था, जो एप्पल का अपना खुद का स्टोर है, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ होती हुई देखा। इंडिया के जितने एप्पल रीसेलर्स हैं उनके पास भी ये चीज़ होती हुई देखा, और जो छोटे मोटे स्टोर्स हैं जो एप्पल के प्रोडक्ट्स आईफोन्स वगैरह बेचते हैं उनके पास भी जो है ये मिस्टेक मैंने होते हुए देखा हूँ। तो ये मिस्टेक जो है आपको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईफोन यूज़र आप बने हो उसकी एक जो रीज़न ये भी है कि आपको अपनी सेफ्टी और आपकी जो प्राइवेसी है अपने डेटा की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको किस तरीके से आप जो है बचा सकते हैं और किस तरीके से ये जो गलती मैं आपको बताने वाला हूँ ये अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में आज का हमारा वीडियो है। क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसके बारे में एप्पल के अपने खुद के जो एम्प्लॉयज़ जो इन स्टोर्स में काम करते हैं उनको भी या तो नॉलेज नहीं है या तो लोगों को बताने नहीं, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर देखिए, दो टाइप के आईफोन यूज़र्स होते हैं दोस्तों। एक आईफोन यूज़र वो होता है जिसके घर पर एक कंप्यूटर होता है, भले वो विंडोज़ का हो चाहे वो मैक हो, तो ये एक टाइप का आईफोन यूज़र होता है। और दूसरा आईफोन यूज़र वो होता है जिसके पास आईफोन होता है लेकिन उसके पास एक कंप्यूटर नहीं होता। जिसके पास कंप्यूटर होता है वो आईफोन यूज़र क्या करता है, जब नया आईफोन लेने जाता है, भले ही वो अपना पुराना आईफोन सेकेंड हैंड में उसको बेच दे जिससे वो खरीद रहा है, या कहीं और बेचे या घर में किसी और मेंबर को दे दे, वो करता ये है कि अपने आईफोन का एक एनक्रिप्टेड बैकअप जो है अपने पीसी में बनाता है आईट्यून्स के ऊपर। ये जो एनक्रिप्टेड बैकअप होता है इसमें लगाना पड़ता है एक पासवर्ड जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते अगर आप उसको भूल गए। एनक्रिप्टेड बैकअप बना लिया, एक घंटा डेढ़ घंटा उसने अपने फोन को पीसी से लगाए रखा, पूरा बैकअप बनाने के बाद वो एक पासवर्ड डाल के रखता है उसके अंदर। वो पासवर्ड जो है, बहुत सारे लोग 70-80% लोग जो है ये एनक्रिप्टेड बैकअप का पासवर्ड भूल जाते हैं। अगर आप लिख के रखेंगे प्रॉपरली तो आप नहीं भूलेंगे, लेकिन 70-80% लोग भूल जाते हैं, या फिर उसमें थोड़ा बहुत कैपिटल या स्मॉल लेटर्स के अंदर ऊंच नीच हो जाती है, तो आपका पूरा जो डेटा है जो आपने बैकअप बनाया है और नए फ़ोन पे आप शिफ्ट हो गए, पुराना फ़ोन आपने रीसेट करके बेच दिया, वो पूरा डेटा जो है आपका कंप्लीटली 100% डेटा लॉस हो जाएगा। कई लोग मुझे ईमेल करते दोस्तों और वो लोग को ये प्रॉब्लम आती है, और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो एनक्रिप्टेड बैकअप का जो पासवर्ड है उसका रिकवरी का कोई भी ऑप्शन नहीं। और अगर दूसरे आईफोन बायर की बात करें दोस्तों, दूसरे टाइप का होता है जिसके पास पीसी नहीं होता, ये तो और ज्यादा खतरनाक हरकतें करता है। ये जाता है एप्पल स्टोर के अंदर, एप्पल ऑथराइज रीसेलर के पास या किसी भी दुकान में, और उस दुकानदार को या उस एप्पल ऑथराइज रीसेलर को या उस एप्पल स्टोर के एम्प्लॉय को बोलता है कि मेरे इस फोन का जो बैकअप है मुझे नए आईफोन के अंदर रजिस्टोर करके चाहिए। अब उनको एनक्रिप्टेड बैकअप के बारे में खुद को कुछ पता नहीं होता उस बायर को, क्योंकि उसके पास तो पीसी है नहीं, तो वहां पर वो उसको दे देता है और वो एप्पल का एम्प्लॉय या वो स्टोर का एम्प्लॉय जो है अपने पीसी पे अपने मैक पे पूरा एनक्रिप्टेड बैकअप बनाता है और नए फोन में डाल के देता है, और एनक्रिप्टेड बैकअप का जो पासवर्ड है वो अपना लगाता है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी और सेफ्टी हैजर्ड है दोस्तों। आपका पूरा प्राइवेट डेटा जो है आप इससे किसी और को खिलवाड़ करने दे रहे हैं। प्लीज़ 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 ये टाइप की हरकत आप ना करें। इसलिए एप्पल ने जब iOS 12.4 रिलीज़ किया आईफोन 5S से लेके लेटेस्ट आईफोन्स तक के लिए, तो उसके अंदर एक नया फीचर लेके आया है जो iOS 13 के अंदर भी मौजूद है। तो भले ही आप आईफोन 5S से माइग्रेट करें हो या किसी भी आईफोन से, ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ये एप्लीकेबल है और ये कम्प्लीटली फ्री तरीका है, एप्पल का अपना तरीका है, बस आपको इसकी मालूमात नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आइए आपको इस वीडियो में मैं बताता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसके लिए आपको बस अपना पुराना आईफोन और नया आईफोन जो है वो साथ में रखना है, ब्लूटूथ वगैरह सब ऑन रख दीजिए, बाकी कुछ भी आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है, और नए आईफोन को बस ऑन कर दीजिए, आपको सेटअप वेटअप एक्टिवेट कुछ करने की जरूरत नहीं। जब नया आईफोन को पुराने आईफोन के नजदीक लाएंगे तो पुराने आईफोन पे ये टॉगल आ जाएगा कि सेटअप एज अ न्यू आईफोन, तो उसको कंटिन्यू कर दीजिए। नया आईफोन पे एक बहुत ब्यूटीफुल एनिमेशन आएगा दोस्तों जो मुझे बहुत पसंद है, पुराने आईफोन से उसको स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के लिए भी आपको कैमरा ओपन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। और अभी आपको नए आईफोन पे पुराने आईफोन का पासकोड एंटर करना है, यहाँ पे आपने एक बार पासकोड एंटर कर दिया, उसके बाद आपका नया आईफोन जो है उसका सेटअप शुरू हो जाएगा। 2-3 मिनट आपको इंतजार करना पड़ेगा, और 2-3 मिनट रुकने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा फेस आईडी सेटअप करना है कि नहीं, तो उसको आप बाद में कर सकते हो ताकि जल्दी जल्दी आपका काम हो जाए। और यहाँ पे ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे लिखा होगा ट्रांसफर डेटा फ्रॉम आईफोन, तो यहाँ पे लिखा होगा कि पुराने आईफोन का कंप्लीट डेटा सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें जो है आप नए आईफोन में आपके ट्रांसफर हो जाएगी, और एस्टिमेटेड टाइम जो है आपके फ़ोन के स्टोरेज में कितना ऑक्यूपाई करके रखा है अपने डेटा से उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरा तकरीबन जो है 75 GB है पुराने फोन में, तो 35 मिनट्स तक मुझे यहाँ पे जो है टाइम लगने वाला है, तो कंटिन्यू कर दूंगा। अब मेरा एप्पल आईडी वगैरह सब सेटअप हो जाएगा,
मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एग्री करते जाना है, कंटिन्यू करते जाना है। और यहाँ पे मुझे पूछेगा दोस्तों कि एप्पल वॉच का डेटा ट्रांसफर करना है, तो उसको भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा ताकि मेरा एप्पल वॉच का भी सारा डेटा आ जाए, मुझे बाद में कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं। आईफोन एनालिटिक्स आपको एप्पल का शेयर करना है या नहीं, तो मैं तो डोंट शेयर पर क्लिक करता हूँ, आगे आपकी मर्जी है। इसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे तो ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम आईफोन जो है वो शुरू हो जाएगा। बस आपको इन दोनों फोन्स को इसी तरीके से छोड़ देना है, अपनी जगह पर साथ साथ रखे रहना है, एक दूसरे दूर मत कीजिए, और 30-35 मिनट तक जो है आप कुछ और टाइम पास कर लीजिए, आपका फोन का डेटा जो है कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया तो स्क्रीन पे कंटिन्यू लिखा आएगा, यहाँ पे आप कंटिन्यू पे प्रेस कर दीजिए और पुराने फोन का जो काम है आपका हो गया। अब नए फोन पे जो काम है वो आपको करना है। नए फोन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रीबूट हो गया नया फोन। अब मुझे अपना पासवर्ड एंटर करके ये फोन को अनलॉक कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारे एप्लीकेशन, सारी चीज़ें, सारा डेटा, सारी सेटिंग्स जो है वैसी की वैसी आ गई। सारा कॉल लॉग आ गया, सारा SMS लॉग आ गया, एक भी चीज़ जो है यहाँ से आपकी मिस नहीं होगी। अब जितने भी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र हो गए हैं वो सारे एप्लीकेशन जो है वाईफाई पे डाउनलोड होते रहेंगे, तब तक जो है अपना सिम कार्ड जो है पुराना निकाल के नया वाला इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों वाईफाई पे मेरे नए फ़ोन के अंदर सारे एप्लीकेशन, सारी चीज़ें जो है वो भी डाउनलोड हो गई, और अब जो है मेरे पुराने फ़ोन का कंप्लीट क्लोन जो है मेरा नया फ़ोन बन चुका है। एक भी इमेज, एक भी वीडियो, हिडन फोल्डर्स के फोटोज़, वीडियोस, कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे आपकी नहीं छूटेगी। सेटिंग्स भी जो है एग्जैक्टली वैसी की वैसी आपकी कॉपी हो जाएगी, यहाँ तक कि व्हाट्सएप का डेटा भी जो है कम्प्लीटली विथ चैट बैकअप, विथ वीडियोज़, विथ वॉइस मेमोज, हर चीज़ जो है वैसा का वैसा कॉपी हो जाएगा। तो इसकी भी आपको कोई भी फिगर करने की या रिस्टोर फ्रॉम बैकअप करने की ज़रूरत नहीं है। एक दोस्तों यहाँ पे आपको की बात ये बता देता हूं कि जो पुराने आईफोन का ऑक्यूपाइड स्पेस था वो तकरीबन 76 GB था, लेकिन नए आईफोन का जो ऑक्यूपाइड स्पेस है वो सिर्फ 67.6 GB है, क्योंकि जो जंक फाइल्स थे पुराने आईफोन्स में वो भी इसने क्लियर कर दिया, और वो जो जंक फाइल्स है वो ट्रांसफर नहीं हुए, जिसकी वजह से मेरे नए आईफोन के अंदर कोई भी जंक फाइल्स जो है वो नहीं आए हैं। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीटली क्लीन इंस्टॉलेशन था। अभी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पुराने आईफोन को बेचने के पहले इसको जो है रीसेट कर लेना है, और रीसेट कैसे करना है अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने पुराने आईफोन में एप्पल आईडी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे फाइंड माई जो है या फाइंड माई आईफोन होगा उसको टर्न ऑफ कर दीजिए। इसके लिए आपको अपना एप्पल आईडी का पासवर्ड एंटर करना होगा, एंटर करके इसको ऑफ कर दीजिए ताकि जो नया यूज़र कोई आपसे फ़ोन खरीदे तो उसको इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आपको जनरल में जाना है, सेटिंग्स के अंदर जनरल में जाके नीचे रीसेट जाइए और रीसेट में कर दीजिए रीसेट ऑल कंटेंट्स एंड सेटिंग्स। यहाँ पे आपने एक बार इरेज कर दिया, उसके बाद आपको अपना पासकोड डालना है और आपका फ़ोन जो है कम्प्लीटली इरेज हो गया और बेचने के लिए कम्प्लीटली तैयार और सेफ हो गया। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी सिंपल यूज़ तरीका है जिससे आप पुराने आईफोन से नए आईफोन पे माइग्रेट कर सकते हो बिना किसी डेटा लॉस के। एक रुपये का भी आपका जो डेटा लॉस है वो यहाँ पे नहीं होगा। कंप्लीट कॉल लॉग्स, कंप्लीट SMS, कंप्लीट सेटिंग्स, सारे वॉलपेपर्स, सारे फोटोज़, वीडियोज़, आपके व्हाट्सएप का पूरा चैट, सोशल मीडिया का हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन, सफारी की ब्राउजिंग हिस्ट्री, सारे पासवर्ड्स, कंप्लीट एनक्रिप्टेड बैकअप, जैसे आप iTunes से रिस्टोर करते हो उससे आधे टाइम के अंदर आपका कंप्लीट बैकअप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आप रिस्टोर कर सकते हो और कंप्लीट अपने आईफोन को नए आईफोन पे क्लोन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आगे से जो है आप ये ही सेफ और सिक्योर तरीका इस्तेमाल करेंगे पुराने आईफोन से नए आईफोन पे माइग्रेट करने का, और इस टाइप की जो दूसरे प्रैक्टिसेस है उसको अगर आप करेंगे भी तो सेफली करेंगे ताकि आपका कोई भी डेटा और प्राइवेसी का लॉस ना हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।